समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के करीबी इरफान सोलंकी की योगी सरकार में शामत आई हुई है। कई आरोपों से घिरे इरफान सोलंकी और उनके भाई को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने पूरा दम लगा दिया है, जिसके बाद पूरा परिवार परेशान है। इरफान सोलंकी और रिजवान का कुछ पता नहीं चल रहा। बता दें कि आगजनी और जान से मारने की धमकी में सपा के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की 3 दिन से पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बनी 8 अफसरों की टीम ने दोनों की तलाश में कानपुर से लेकर लखनऊ तक 10 जगह पर छापेमारी की और दोनों को पकड़ने के लिए SIT भी गठित कर दी गई। करीबियों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। इस बीच इरफान सोलंकी के परिवार ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई पेश की। हमारे ये 2 दिन से हम लोगों की सब लोगों की मेहनत थी, ये कल दिन भर सब लोगों ने मेहनत करी। ये वीडियो जो पुलिस को कोशिश करनी थी, पुलिस इसकी जांच करती या वीडियो जो है ये निकलवाती, पर हमारे परिवार ने मेहनत करी है। कल दिन भर सब भाई सब चाचा सब लगे हुए थे, ये वीडियो हमें आपको दिखाना था, इसलिए आज आपको बुलाया। परसों रात में हाँ बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हम इस तरीके का व्यवहार कभी पुलिस का हम लोग ने अपने लिए नहीं देखा था, तो परसों बहुत ज्यादा हम घबरा गए। प्लांट को लेकर क्या विवाद है, किस तरह का ये प्लांट का विवाद? हमें नहीं मालूम, प्लांट में ये विवाद है कि प्लांट माता सामने देखिए, सामने देखिए। इसके अलावा भी वो औरत झूठी मोट के लिए एक तो वहाँ कब्जा कर रहे हैं, उसके पास कुछ है तो बताए, खानका ही हमारे बच्चे को परेशान करके कुछ ना कुछ उन पे आरोप लगाती है, इसलिए नहीं सोचे कि उनके पापा नहीं, उनके पापा ने क्या मन कर ही दिए, और बाकी सब लोग जरूर हमारे बच्चों का साथ देंगे और सच का साथ देगा। अच्छा, आग लगी तो आप लगती इससे जांच होनी चाहिए किसी भी, तो क्यों खानका हम लोग नहीं कोई लगाई कल जब ये गए थे लखनऊ, तो इन्होंने अखिलेश भैया से भी कहा है कि आप जो है देखे सुनो भैया जो है उदयपुर की टीम को भेज रहे हैं, तो हम उन पर भी भरोसा को हमारा परिवार है, तो वो भी वहाँ से उन्होंने भेजा है, कमीशन साहब से कहलवाया है कि आप जो इसकी जांच करा लें। हमारे लिए अखिलेश भैया पहले हैं, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और कमीशन साहब सब लोगों से हम अपील करते हैं, और ये क्योंकि मामला बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जगह पे हम लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं, और रिजवान भाई के नाम से है पेपर, तो वो पेपर रिजवान में कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, वो महिला भी कुछ अपना दिखा दे एविडेंस कि हम मेरे पास कोई सबूत है, महिला अपने पेपर दिखा दे, हम अपने दिखा रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सही था तो फिर विधायक जी और उनके भाई को भागने की जरूरत क्या? अरे तो भागने के लिए तो क्या कर रहे हैं, भागने की कोई बात नहीं है, भागने की कोई बात नहीं है, पर वो वक्त जब आएगा जब सामने आ जाएंगे। मैडम, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो आ जाने वाला था, 2 दिन टल गया है, क्या माना जाए समाजवादी पार्टी इस मामले से किनारा कर रही है, आप लोगों को लड़ाई खुद लड़नी हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारा परिवार वो हमेशा साथ रहा है हमारे, हम उनके साथ हैं, हमारे साथ कोई निजी काम या कुछ पहले से। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक घटना सामने आई, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक प्लॉट में आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने रिजवान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। बस इसी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सपा विधायक के होश उड़ गए और विधायक इरफान सोलंकी की भी मुश्किलें बढ़ी हुई। पहले मेरे भाई को इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया, रिजवान सोलंकी ने, और मेरे कब्जा कर रहे थे आधी जमीन, डैडी मम्मी मेरे डैडी मम्मी बोले तो मेरे डैडी को ढकेल दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ दिन बाद मेरे डैडी खत्म हो गए। ठीक है, अभी उसके बाद क्या किया, मेरे भाई को स्मैक में ये लोग लगातार पैसों के जरिए बंद करवा रहे थे, स्मैकिंग नशेड़ी बना दिया उनको, उसमें बैठाल के जेल में, वो आखिरकार पागल हो गए, नशेड़ी हो गई है। आज घटना हुई, हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी, कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, भाइयों को बंद करते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे, इन लोग क्या आसान सा तरीका है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये रिजवान सोलंकी इरफान सोलंकी के विधायक के भाई हैं, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद, ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम बेबी नाज है, ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए हैं आज से नहीं भाई, 86 हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार पीछे पड़े इन लोग। फिलहाल सपा विधायक इरफान सोलंकी का परिवार इन सब आरोपों को खारिज कर रहा है और बता रहा है कि जो आग पीड़ित बेबी नाज के घर लगी थी वो पटाखे की वजह से लगी थी।
हालांकि इस बीच यूपी पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सोलंकी परिवार की मुश्किलें कब खत्म होती हैं और योगी राज में उन्हें उनके किए की सजा कब और कितनी मिलती है।